क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, शॉपर्स यानी जो खरीदारी करता है, जो कि माल परचेज करता है, जो भी सामान लेने वाला, जैसे हम जाते हैं किसी भी दुकान में तो हम क्या हुए, शॉपर्स हुए। तो द शॉपर्स हु कम इन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट स्टोर में क्या बहुत सारे आदमी आए, हु कम डिपार्टमेंट स्टोर, आर मार्क्ड एज, उसको किस तरह से मार्क किया गया कि जो मेन थे उसको एम से, जो वुमेन थे वो डब्ल्यू से, बॉय थे वो बी से, और गर्ल थे उसको जी से, इन सब से उसको मार्क किया गया। जैसे कोई मेन आया तो उसमें क्या एम लिख दिया, ठीक है, एम एंट्री किया, बाद में वुमेन आई तो W एंट्री किया, फिर मैन आया फिर M एंट्री किया, फिर मैन आया वापस तो फिर M एंट्री किया, ऐसा एंट्री उसने किया, ठीक है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स, जो ये लिस्ट है वो शॉपर्स का लिस्ट है, हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के जो फर्स्ट आवर में आए थे, कौन कौन थे, तो W W W जैसा भी है ये सभी आए थे, पहले एक मैन आया तो एक वुमेन आई तो W इसने मार्क किया, फिर वापस आए फिर वुमेन आई फिर W मार्क किया, फिर एक वुमेन आई फिर W मार्क किया, फिर एक गर्ल आई तो G मार्क किया, ऐसा इसने मार्क किया। अब इसके लिए क्या करें, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टेलीमार्क, टेलीमार्क का यूज करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, ठीक है, और बार ग्राफ भी बनाना है। तो ये सब तो आपने पहले से ही बनाया हुआ है, पिछले क्लास में बनाया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं और बार ग्राफ इसका बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर शॉपर, शॉपर्स के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहेगा, तो ऐसा लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉपर्स, फर्स्ट काइंड ऑफ शॉपर, किस तरह के शॉपर थे, तो वुमेन गर्ल, ठीक है, बॉय और मैन, ठीक है, ये चारों हमने ले लिया। फिर सेकेंड में हमने क्या, सेकेंड में हम क्या लेते हैं, टैली मार्क लेते हैं, थर्ड में क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं या नंबर ऑफ शॉपर्स या नंबर ऑफ पर्सन, जैसा भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स, ये तो इसके लिए, इस टेबल के लिए ये उपयुक्त वर्ड ही है, ठीक है, कि इसको आपने लिख दिया मतलब कंप्लीट हो गया काम। तो फ्रीक्वेंसी, टेली मार्क्स और काइंड ऑफ शॉपर, ठीक है। तो इसमें W था, G था, B था और M था, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, W है, ठीक है, W पे एक खड़ी लाइन हमने ऐसा खींच दिया, फिर W आया फिर एक खड़ी लाइन दिया, फिर W आया फिर एक खड़ी लाइन दिया, तीन हो गया। फिर G आया तो G में हम G के सामने वाले में एक लाइन दिया, ठीक है। फिर B आया तो B के सामने वाले में एक खड़ी लाइन दिया, ठीक है। फिर W आया तो तीन लाइन यहाँ हो गया, फोर्थ लाइन ये हमने ड्रॉ किया। फिर W आया तो फिफ्थ लाइन हमने इधर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वैसे ही M आया तो M की एक खड़ी लाइन किए, फिर G आया फिर G की एक खड़ी लाइन किए, ऐसा हमने लाइन करते गए और ये पूरा का पूरा टैली मार्क्स कंप्लीट किए। टैली मार्क्स कंप्लीट करने के बाद हमने जो भी यहाँ का नंबर्स है वो नंबर्स दिए, जैसे ये एक ग्रुप है तो फाइव नंबर्स हुआ, फाइव तो फोर लाइन और एक क्रॉस लाइन, फाइव लाइन होता है, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव और थ्री, ट्वेंटी एट, तो ट्वेंटी एट हो गया, ये ट्वेल्व हो गया, ये फिफ्टीन हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, सबको ऐड कर दिए दो, ये 60 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ बनाइए। बार ग्राफ बनाने में क्या है कि बार ग्राफ फॉर एवर, इसके लिए बार ग्राफ क्या होगा, तो सबसे पहले हमको इसके लिए यूनिट बनाना पड़ता है, स्केल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो स्केल यदि आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में आपका इस तरह का लाइन, ये जो लाइन मैंने खींचा हुआ है इस तरह का लाइन होगा, ऐसा भी लाइन पूरा का पूरा होगा और बीच वाले भाग 10 भाग में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो उसमें एक एक सेंटीमीटर दिए हुए होते हैं, लेकिन यदि आप सादे पेज में बनाएंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे आप मार्किंग करके, ठीक है, और अपने हिसाब से 5, 10, 15, 10, 20, 30 या 2, 2 करके ऐसा कर सकते हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगे। अब यदि हम 1, 1 करके करेंगे तो ये टोटल कितने हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी इसका 28 है,
ठीक है, तो 28 करने के लिए 28 लाइन इस तरह के खींचने होंगे, 28 लाइन पूरे एक पेज भर देगा। यदि आपको इजी लगता है तो 28 करके आप मार्किंग कर सकते हैं, या उसको डिवाइड 2 से कर देंगे तो 14 तक हमको करना पड़ेगा, तो 14 या 15 तक हम लाइन ऐसा मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको उससे और भी कम करना है, जैसे मैंने 5-5 किया है तो 5-5 कर लेंगे, वो भी इजी होगा। ठीक है, तो यूनिट मैंने क्या लिया है, एक यूनिट इक्वल टू 500 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके जगह में आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपने बिल्कुल ऐसा स्केल पे, यदि आपने सादे पेज में भी बनाए और आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सब जगह में एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस, जैसे 8 से 7 तक लिया तो 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, टोटल 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इधर भी मैंने लिया है और इधर भी मैंने 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेने का ट्राई किया है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 पॉइंट्स मैंने कर दिया। ठीक है, तो टोटल 28 है, तो 28 को यदि 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 28 तो नहीं होगा, तो 5 5 जा 25 5 6 जा 30 होता है, तो थोड़ा ज़्यादा का, तो 30 के लिए हमने ले लिया। ठीक है, अब 5 5 5 10 15 20 25 और 13 30 हमने लिख दिया, और इधर में W G B और G, ठीक है, ये पूरा हमने कुछ गलती हो गया, W G B और ये M है, सॉरी ये क्या है, ये M बना लिया। अब सेम टू सेम डिस्टेंस छोड़ के हमको क्या करना है, जैसे 1 सेंटीमीटर का जगह खाली छोटा होना चाहिए और 1 to 2 सेंटीमीटर पे हमको ये बनाना है, फिर 2 to 3 हमको खाली छोड़ देना है और 3 to 4 को हमको ये पूरा मार्किंग कर लेना है, ये 2 1 1 सेंटीमीटर में पूरा मार्किंग कर लेना है। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर लिया सब जगह में, ठीक है, ये मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, पहला 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ देंगे और दूसरे डिस्टेंस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, 28 तक, तो ये लेंथ कितना आ गया, यहाँ से जब हम देखेंगे तो 25 से ऊपर है, 25 के लाइन से, ये 25 का लाइन यहाँ से ऊपर जाएगा और 30 से नीचे आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो जगह भरा हुआ है, इसके बीच का जो जगह है वो कितने हैं, बीच में 10 लाइंस होते हैं। ठीक है, ऐसे 10 लाइंस होते हैं, ठीक है, जिसमें 5 लाइंस पे एक मार्किंग भी होता है, ओके, थोड़ा हार्ड मार्किंग होता है 5 पे। ठीक है, तो अब आप किस तरह से लेंगे, समझिए 25 तक तो आपने ले लिया, ठीक है, तो 3 और लेना है। ठीक है, तो 10 के लिए हमको सिर्फ 3 ही लेने का है। ठीक है, तो 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to 4 to 6, समझे ना, 6 तक लेंगे तो कैसा है, हमने 5 10 के लिए 5 का ही रखा है, ठीक है, 500 पॉइंट्स ही रखे हैं 10 के लिए, 10 सेंटीमीटर के लिए, सॉरी 10 mm के लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 mm के लिए है, 10 mm के लिए, फॉर 10 mm कितना है, 500 पॉइंट्स। ठीक है, तो 100 पॉइंट्स कितने होंगे, तो 10 by 5 यानी 2 mm पर 100 पॉइंट होंगे, तो ऐसा 2 to 4 to 6, ठीक है, 6 पे हम ये लाइन कर देंगे, आगे समझ में। वैसे ही अब जी के लिए आप बनाइए, तो 10 हो गया, ठीक है, और बचा सिर्फ 200 पर, तो ये 12 है, ठीक है, तो इसके लिए 20 तक गए, 20 के बाद 2 और 2 4, ठीक है, 4 पॉइंट ले लिए तो 4 पॉइंट में 12 आ गया। वैसे ही 5 के लिए तो सीधा लाइन ही आ गया, और ये इसको आपको बीच के भाग को डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, बीच के भाग को आप कैसे डिवाइड करते हैं, वो तो काइंड ऑफ सॉपर्स इधर ले लिए, नंबर ऑफ सॉपर्स इधर ले लिए, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए और ये बार ग्राफ हमने बना लिया, तो बार ग्राफ फॉर एवव, ठीक है, स्केल हमने क्या दिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 पॉइंट। ठीक है, यदि आपने एक एक सेंटीमीटर पूरा नहीं लिया है तो एक यूनिट आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 500 पॉइंट। ठीक है, तो वैसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और 1 सेंटीमीटर इक्वल 5, और यदि आपने 1 सेंटीमीटर लिया और ये वाला यदि आपने लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी ये सही होगा। ठीक है, 1 यूनिट जो है स्टैंडर्ड हुआ, 1 यूनिट इक्वल टू 500 पॉइंट जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हुआ, इसमें कभी कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो बार ग्राफ समझ में आ गया होगा आप लोगों को।